नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के इब्राहिम मंडी में, जहां पर आप देख सकते हैं एक घर में हम मौजूद हैं, जिन घर में जो यहाँ के लोग हैं वो डेयरी फार्मिंग का काम करते हैं। इन्होंने भैंसें रखी हुई थी और जो दो भैंसें बताई जा रही है, एक बड़ी भैंस और उसके साथ एक छोटी कटड़ी बताई जा रही है जो उसी की बच्ची है एक तरीके से, वो दोनों चली गई है, यहीं पर वो बांधी गई थी। और 27 तारीख को बताया जा रहा है कि रात लगभग 8 बजे के करीब वो घर से चली गई हैं, संगले तोड़कर चली गई हैं। आपको मालूम है कि जिन संगलों से उनको बांधकर घर में रखा जाता है, उनका पालन किया जाता है, लेकिन वो संगले तोड़कर इस रास्ते से बताया जा रहा है जो इनके घर का मेन गेट है, वो यहाँ से बाहर चली गई हैं। और सबसे बड़ी बात जो इस पूरे मामले में रही है कि उन भैंसों की तस्वीरें CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हुई है, किन किन रास्तों से वो गई हैं उसके बारे में पूरी जानकारी आपको बताएंगे। मेरी आप सभी लोगों से दोस्तों यही अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। क्या नाम है भैया आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम बबलीन सिंह बिरक है और हमारी जो रेजिडेंस है वो हांसी रोड के ऊपर है जी। ये तकरीबन 27 तारीख को रात को 8 बजे के आसपास हमें पता लगा कि जो हमारे दोनों डंगर है वो संगल तड़ुआ के खुरली से भाग गए हैं, क्योंकि हम एक्चुअली बाहर गए थे सामान लेने के लिए और जैसे पीछे हाउस रेंट पे दे रखा तो दरवाज़ा खुला हुआ था जी। और फिर हमें 2-3 दिन हम उनसे उनको ढूंढते रहे और हमने FIR भी दर्ज करवा दी है सदर चौकी में, और लेकिन हमें फिर कल परसों हमें CCTV फुटेज मिली है जो हमें पता लगे कि रेलवे रोड की तरफ से दोनों डंगर निकले हैं। पहचान में आ रही है आपकी? हाँ जी दोनों। कितनी भैंसे वगैरह थी आपके पास? दो भैंसे हैं, एक भूरे रंग की भैंस है और अच्छा। एक साथ में कटड़ी है, उसके माथे पे थोड़े से वाइट कलर के बाल हैं जो उसका बच्चा है भूरी भैंस का। और दोनों डंगर हमारे 27 तारीख को रात को 8 बजे संगल तोड़वा के निकल गए थे और इनकी जो लास्ट लोकेशन है वो हमें बताई जा रही है कि शाखा ग्राउंड के आसपास है। तो अच्छा। आगे से हमें अभी क्लू मिल नहीं रहा कि कहाँ किधर को गई हैं किधर को नहीं, लेकिन हमें ये लग रहा है कि जैसे शहर के अंदर ही हैं। और हमारे जो डेयरी वाले भाई बंधु हों उनकी मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर हमें इस चीज़ में थोड़ी हेल्प मिल जाए, अगर वो हमारी हेल्प कर सकते हैं, अगर किसी ने देखी है या किसी ने बांध रखी है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि अगर वो हेल्प करना चाहे तो आपको संपर्क कर सकते हैं ताकि हमें वो चीज़ मिल सके, क्योंकि हमारा काफ़ी 2-3 लाख रुपए का नुकसान है ऑलरेडी। आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगी, जैसे आप गाय भैंसे रखने वालों में से हैं, जब बाहर आप आवारा किसी भी पशु को देखते होंगे तो आपको पता लग जाता होगा कि वो दुधारू है या नहीं है, यानी कि आप जिनकी बात कर रहे हैं अगर किसी ने उनको बांध भी लिया तो उनको पता लग गया होगा कि ये किसी के घर की है। तो उन लोगों से अपील करना चाहेंगे अगर जिन्होंने बांधा, जो खुद भी डेयरी फार्मिंग का काम करते हो, कि ऐसे नहीं करना चाहिए क्योंकि आपका तो काफ़ी लाखों का नुकसान हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही रिक्वेस्ट करता हूँ करनाल वासियों को, अगर उन्होंने अगर ये डंगर देखे हैं या किसी के पास बंधे हुए हैं, क्योंकि उनको तो नहीं पता ये किन से। हाँ जी, हाँ जी उनको नहीं पता, तो मैंने इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। ऐसी एक बार इंसिडेंट हो गया था कि यहाँ पर भी हमारे पास दुधारू डंगर किसी के 4 आ गए थे, तो हमने उनके बांध लिए थे और उनके मालिक जो थे वो 3-4 दिन बाद आए थे। हमें भी यही था कि किसी के खुल के आ गए हैं। आपने सर तब भले का काम किया था, यही सोच रखकर किया होगा कि कभी हमें जरूरत पड़ेगी तो कोई हमारे लिए भी ये भलाई का बिल्कुल, काम करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं यही करनाल वासियों से अपील करना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने ये डंगर देखे हैं कोई जो हमारे डेयरी के भाई बंधु हैं, तो प्लीज़ आपके चैनल से हमें संपर्क कर सकते हैं। सर, बिना देरी किए मैं चाहूँगी कि एक बार आप वीडियो दिखा दें जो आपके पास है, CCTV फुटेज जो इनके पास है वो एक बार दिखा देते हैं। सबसे पहले कहाँ की फुटेज है, कहाँ पर ये देखी गई? मैम ये फुटेज पहली फुटेज है जो वो प्रेम प्लाजा के उधर की है, जो रेलवे रोड है जहाँ लिबर्टी की सेल लगती है जी। और ये है सर? हाँ जी, ये एक भैंस है और पीछे ये रात की है सर? हाँ जी, ये रात की है फुटेज। एक कटड़ी है और एक भूरे कलर की भैंस। हाँ जी, और जो इसमें है जो लास्ट फुटेज है वो इसमें क्लियर आपको पता लग जाएगा। ये कौन सी जगह सर? प्रेम प्लाजा? हाँ जी, ये प्रेम प्लाजा के पास है। मतलब ये घूमती हाँ घुमाती हांसी रोड से रेलवे हाँ रोड की तरफ चली गई। हाँ जी, हाँ जी, और ये देख लीजिए, ये रात के 8 बजे का टाइम है, ये भागे भैंस है, पीछे इसका बच्चा है जी। ये 27 तारीख की लास्ट फुटेज है जो हमें पाई गई है। और आगे उसकी एक लोकेशन अब और बताई जा रही है कि शाखा ग्राउंड के उधर, हाँ जी बस स्टैंड के उधर मिल सकती है।
और मैं करनाल वासियों से हाथ जोड़ के ये विनती करता हूँ कि अगर किसी ने भैंसे देखी है या किसी डेयरी वाले भाई बंधु ने बांध रखी है तो आपके चैनल के माध्यम से हमें संपर्क कर सकता है। तो दोस्तों, मेरी आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर ये अपील जरूर रहेगी कि इस खबर को जितना ज़्यादा हो सके शेयर जरूर करें। हालांकि पिछले कुछ समय की मैं बात करूँ, पिछले 6 महीने की मैं आंकड़े की बात करूँ, तो जिस तरीके से लोगों की मोटरसाइकिलें चोरी हो जाती हैं, लोगों की गाड़ियाँ चोरी हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पर ये मामला है जो पीछे भी कई बार देखने को मिला, ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई पहला ही मामला है कि लोगों की भैंसे चोरी हो जाती हैं, लेकिन यहां पर चोरी का मामला नहीं है, ये मैं आपको साफ तौर पर बता दूं, क्योंकि जिस किसी ने भी उन भैंसों को आश्रय दिया होगा, उनको बांधा होगा, उनको नहीं पता कि वो भैंसे किसकी है, वो कटड़ी किसकी है, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूंगी वो भैंस और वो कटड़ी इनकी है, तो इनकी आप मदद कर सकते हैं इनके कॉन्टैक्ट नंबर पर। भैया, कोई कॉन्टैक्ट नंबर आप देना चाहें? हाँ जी, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9729076605, जो कि आपके इस ब्रेकिंग न्यूज़ के नीचे भी दिखा दिया जाएगा। सदर चौकी में भी? हाँ जी, सदर चौकी में हमने इसकी ऑलरेडी FIR भी दर्ज करवाई हुई है, सेम डे ही हमने FIR दर्ज करवा दी थी। CCTV फुटेज पुलिस द्वारा ये फाइंड आउट की गई है या आपने खुद? हाँ, ये हमने खुद फाइंड आउट की थी, और फिर उसके बाद हमें जैसे जैसे एक जगह से फुटेज मिली तो हमने फिर उसी डायरेक्शन में स्टार्ट कर दिया मूव करना, तो फिर हमें आगे से पता लगा गया। जिस लोकेशन पर वो देखी गई आखिरी बार, वहाँ पर आपने आसपास पता करने की कोशिश की कि कौन कौन डेयरी फार्मिंग का काम करता है? हालांकि ये बहुत मुश्किल काम है। हाँ जी मैम, एक्चुअली इसमें एक डिसएडवांटेज ये है कि जो डंगर हैं वो रात को निकले हैं, और क्योंकि आपको पता है कि सर्दी का सीज़न है तो लोग जल्दी घर चले जाते हैं, तो इतना कोई ध्यान देता नहीं है, तो मे बी ये हो सकता है कि 27 तारीख को वो बिचारी रात को घूमती रही होंगे सारे शहर में, और सुबह किसी अगर किसी डेयरी वाले भाई बंधु ने या किसी ने भी देखी हो तो किसी ने इतला दी होगी कि वहाँ पर ऐसे ऐसे डंगर बंध रहे हैं, तो मुझे लगता है कि किसी अगर या तो किसी के पास होगी तो वो जरूर आपके चैनल के माध्यम से संपर्क करने की कोशिश करेगा। तो मेरी आप सभी लोगों से फिर से हाथ जोड़कर ये अपील जरूर रहेगी कि जिस तरीके से आप लोगों को ढूंढने में मदद करते हैं, बेजुबान जानवरों को भी इस बार ढूंढने में मदद करें, और इस वीडियो को आप सार्थक जरूर कीजिएगा, इनके चेहरे पर फिर से इनकी खुशी जरूर लौटाइएगा। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें और इसे शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं M24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।